लोग, हर मुल्क के लोग अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको इस जगह। देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ पर अंदर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं समंदर के किनारे, एक यहाँ पर समंदर के किनारे बैठो, एंजॉय करो। यहाँ पर डेली शाम को लोग बैठने के लिए आते हैं और वॉक करने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं आप प्लेस, अंदर जा। यहाँ सब लोग डेली शाम को वॉक करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल समंदर के किनारे ये जगह है। और मैं भी आ जाया, सोचा घूम लेते हैं कौन सी जगह है यहाँ पर। बहुत सारे बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग, लेकिन यहाँ जो भी है सब बंद हो चुका है इस टाइम। क्यों बच्चों, आई होप कि आप सब इन्जॉय करेंगे मेरी वीडियोस को। अगर आप इन्जॉय करें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यूएई की इसी तरह की बहुत सारी खूबसूरत जगहों पे मैं ले चलूँ और आपको यहाँ का विज़िट करा लूँ, जिस तरह से मैं विज़िट पे आया हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन है मेरे बैकग्राउंड में। ये देखें आप, बिल्कुल मैं यहाँ पर समंदर के किनारे आया हुआ हूँ। यहाँ माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ पर अंदर ये देखें भाई, नाइट व्यू यहाँ का। यहाँ पर सभी लोग, हर मुल्क के लोग अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको इस जगह पे, इस बीच पे। बिल्ली मिल गई यहाँ पर, एक छोटी सी, थोड़ा प्यार करते हैं इसको। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। एक और जगह है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर ले चलते हैं आपको। वहाँ पर लेने के बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग कहाँ पर शूट होता है। नेक्स्ट आइजर सफारी में कैंपिंग के लिए टेंट वगैरह मैंने साथ लेकर आया हूँ, और यहाँ पर भी दूसरा ले सकता हूँ। टेंट लाने के बाद हम वहाँ पर कैंप करेंगे पूरी नाइट किसी समंदर के किनारे। बहुत ज़्यादा इन्जॉय होने वाला, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आताना, इस बीच का नाम है कोरल बीच, जो शारजा में है। बहुत ही खूबसूरत बीच है यहाँ पर इस साइड। बहुत सारे लोग इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग अपना डिनर वगैरह सब कुछ लेकर साथ आते हैं, ताकि वो यहाँ पर समंदर के किनारे डिनर कर सकें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखो जी, आ गया दूसरा वाला, सेम उसी तरह से ये भी डिज़ाइन किया हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, अभी बंद हो चुका है। वहाँ पर ओपन था सारा, जो भी कैफ़े वगैरह था वो सब ओपन था, यहाँ पर नहीं है ओपन, यहाँ पर बिल्कुल बंद है। फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से ले आया हूँ। विंटर का मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर विंटर के लिए एक वो लगता है फेस्टिवल जैसा कुछ होता है यहाँ पर, वो विंटर में होता है यहाँ पर कंटिन्यू। वो सब बंद हो चुका है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। मैं भी इंजॉय, खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं। और यहाँ के जितने भी डिज़ाइन मैंने आसपास के देखे, बहुत खूबसूरत देखे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं सबसे। और साफ़ सफ़ाई तो आप देख ही सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी साफ़ सफ़ाई होती है यहाँ पर। कभी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, आप कहीं से भी शूट करो, रात को करो, दिन को करो। हाँ, ये चीज़ है, आपने परमिशन लेनी है हर कहीं, जब भी आप कहीं पर शूट करने जाते हैं, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पर दिखानी है, एक्सप्लोर करनी है। यहाँ के बारे में बुरा नहीं बोलना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ पर शूट करते हो तो आपने सबसे पहले परमिशन लेनी है। यहाँ जो भी मतलब सिक्योरिटी होती है उनसे परमिशन लेनी है, उसके बाद अपने जो लोग चलते हैं उनसे भी परमिशन लेना ज़रूरी है। बिना परमिशन के अगर आप यहाँ पर शूट करते हो तो आपको बहुत लंबा वाला चालान लगने वाला है, 51,000 दिरहम का चालान लगने वाला है, और उसके अलावा आपको 6 महीने जेल भी हो सकती है। मैंने स्टे किया हुआ है, वापस वहाँ जा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।